कत्ल तो दुनिया में बहुत हुए लेकिन हमेशा कातिल कानून की गिरफ्त में आया। किसी ने मजबूरी में कत्ल किया तो किसी ने दुश्मनी में। लेकिन आज हम आपको ऐसे कातिल के बारे में बताने जा रहे हैं जो शौक और सनक के लिए औरतों का बेदर्दी से कत्ल करता था। ये कोई मनगढ़ंत नहीं बल्कि सच्ची कहानी है। 128 साल पहले विक्टोरियन इंग्लैंड का एक सीरियल किलर जिसने अपने शौक का शिकार बनाया 5 औरतों को। कौन था कोई नहीं जानता, कैसा दिखता था कभी किसी ने नहीं देखा, कहाँ रहता किसी को नहीं पता। खत के जरिए देता था अगले शिकार की धमकी, कभी ना पकड़े जाने का करता था दावा। खतरनाक तरीके से वेश्याओं का कत्ल करने वाले इस शख्स की पहचान किसी को नहीं है, लेकिन जैक द रिपर नाम ही सबके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ये नकाब को शख्स नशे की धुत में वेश्याओं को अपना शिकार बनाता था और खुलेआम अपनी करतूत को लोगों तक पहुंचाने के लिए चुनौती भरे खत का इस्तेमाल करता था। सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा। खत खुद हत्यारे ने लिखा था। डियर बॉस, लगातार सुन रहा हूं कि पुलिस जल्दी ही मुझे पकड़ लेगी, मगर मैं उनके हत्थे चढ़ने वाला नहीं। पिछला शिकार बहुत शानदार रहा, मैंने उस औरत को चीखने तक का मौका नहीं दिया। आपको क्या लगता है, अब वो मुझे पकड़ लेंगे? नहीं, जल्द ही आप मेरा अगला तमाशा देखोगे। ये चाकू बहुत तेज है और मैं शिकार की तलाश में हूं। गुड लक जैक द रिपर। जैक के इस खत के बाद शहर में हड़कंप मच गया। शहर की कॉल गर्ल खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। हर समय उन्हें अपनी मौत का डर सताने लगा। 31 अगस्त 1988 में मैरी एन निकोलस को जैक ने अपना पहला शिकार बनाया। तेज धार वाले हथियार से जैक ने मैरी का गला काट दिया था। उसके ठीक सप्ताह बाद पुलिस को एक और लाश मिली और उस लाश की भी पहचान कॉल गर्ल एनी चैपमैन के नाम से हुई थी। इस लड़की का भी कत्ल हत्यारे ने गला रेत कर किया था। पुलिस ने हत्यारे को ढूंढने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस ने इलाके में रहने वाली लगभग हर वेश्याओं से पूछताछ की। वेश्याओं ने एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो जबरन वसूली का गोरख धंधा चलाता था, लेकिन दुर्भाग्य किसी को उसका सही सही हुलिया नहीं पता था। जिसे भी पता था वो सिर्फ इतना कि वो चमड़े का एप्रन पहनता है। एप्रन पहनने से पुलिस ने इतना अंदाजा लगाया कि वो एक यहूदी है, लेकिन सच से कोई भी रूबरू नहीं था। 8 सितंबर 1888 को एक स्टार अखबार में खबर छपी, लंदन खूनी साए के गिरफ्त में। वह अनाब वहशी, आधा दानव आधा इंसान, अभी तक फरार है। रोज सड़कों पर खतरनाक इरादों के साथ निकलता है। बेबस और कमजोर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाता है। वह खून के नशे में है। बचो, उसे और शिकार चाहिए। इस खबर के कुछ दिन बाद ही अपने खतरनाक इरादों के साथ रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपनी सनक का शिकार बनाया। 1 अक्टूबर 1888 को द स्टार अखबार में फिर खबर छपी। 1 अक्टूबर 1888 को द स्टार अखबार में फिर खबर छपी। सफेद चैपल वापस आ गया है। इस बार उसने 2 शिकार किए हैं। जैक से बचने के लिए द स्टार अखबार लोगों को आगाह करता था, लेकिन जैक कब आता और कब चला जाता किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती थी। दोहरे कत्ल की इस वारदात ने लंदन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया भर में यह खबर हेडलाइन बनी। इस खबर के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने उस इलाके की जांच पड़ताल के लिए बड़ी संख्या में जासूसों को मुस्तैद कर दिया। चप्पा चप्पा छान मरवाया, लेकिन फिर भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिला।
वो शिकार की तलाश में है, अगला नंबर किसका। करीब एक महीने बाद जैक दारी पर अपने नापाक इरादों के साथ फिर लौटा। 25 साल की मैरी किलर जैक की हैवानियत का शिकार बनी। मैरी के बेडरूम में ही बेदर्दी से जैक ने उसका गला काट दिया था। जैक सबका कत्ल एक तरीके से करता था। शायद वो सबको आगाह करना चाहता था कि वो फिर एक बार लौट आया है। कोई नहीं बचेगा, जैक को चाहिए जान। पुलिस एक बार फिर नाकाम। 5 वैश्याओं के कत्ल के बाद जैक दारीबर कभी नहीं लौटा, लेकिन उसका गायब होना और सारे सबूतों का खत्म हो जाना आज भी 128 साल बाद सबके लिए रहस्य हैं, और कुछ सवाल अब भी जिंदा हैं। क्या वो अब भी जिंदा है? कौन था वो कातिल? कहां से आया था वो? कहां गया वो? क्यों किए उसने 5 कत्ल? मैरी किलर की हत्या करने के बाद जैक द रिपर कभी वापस नहीं आया। कईयों ने माना कि वो मर गया है, तो कईयों ने दावा किया कि जैक के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और उसका खूनी खेल खत्म हो गया है। लेकिन कभी भी जैक के पकड़े जाने या मर जाने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। उसके पकड़े जाने की तमाम खबरें सिर्फ अफवाह निकली, और यही वजह है कि जैक आज भी रहस्य ही माना जाता है। देखते रहिए डीबी लाइव।